अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद असलम और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीएफ म्यूज़ियम में, जो शाराए फैसल कारसाज के पास जो है वो है। और बड़ा इस टाइम बहुत खुशगवार मौसम है और पाक फ़ौज फ़ज़ाइया के जो है वो बहुत सारे जहाज़ जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आप आते हैं तो एक बहुत अच्छा जो है वो लुक आप अभी आ रही है 2 महीने की छुट्टियां, और अगर आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय करना चाहते हैं एक सस्ती तफरी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, और एक खुशगवार मौसम मिलेगा आपको, खूबसूरत पार्क मिलेगा, साफ़ सुथरे लोग मिलेंगे वहाँ पर, तो आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। अच्छा जी, सैटरडे और संडे थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है, उस दौरान आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर आप बीच में आते हैं, मंडे को आते हैं, थर्सडे को आते हैं या वेडनेसडे को आते हैं, तो आपको रश इतना ज़्यादा यहाँ नहीं मिलेगा। 100 रुपये का जनाब टिकट है इसका, 20 रुपये की है गाड़ी बाइक की पार्किंग और 50 रुपये की है कार की पार्किंग, तो आपको ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें अवेल हैं अंदर, आपको मिल जाएंगी, और आप अगर घर से कुछ बना के ना लाना चाहें तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बिरयानी मिल जाती है, नान वगैरह, चाय, ये सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, तो ज़रूर आए अपनी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अच्छा जी नाज़रीन, सामने है प्ले एरिया और हम जा रहे हैं प्ले एरिया की जानिब। शाम हो गई है और आप देख सकते हैं कि लाइटें भी जो है इस टाइम जल चुकी हैं, बड़ा खूबसूरत मंज़र है, ये देखें सामने बादल, माशाल्लाह। फैमिलीज़ कर रही हैं इंजॉय, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई तस्वीरें खींच रहा है। नाज़रीन, कुछ जो जंगी मिसाइल और जंगी तैयारे हैं यहाँ पर, अच्छा उनमें से कुछ की तारीखें जो हैं वो 1965 की जंग और 1971 की जो जंग हुई थी, कुछ जो यहाँ पर जहाज़ जंगी जहाज़ हैं वो उस दौर के यहाँ पर जो हैं वो रखे गए हैं, कुछ डमियाँ हैं और कुछ वो जैनमन हैं यहाँ पर, जो उस ज़माने में सन 1965 की जंग में और सन 1971 की जंग में इस्तेमाल किए गए थे। परेशानी ना हो, मतलब थोड़ा सा वेटिंग है, ये बात का लाजमी ध्यान रखिएगा कि आने से पहले ये सोच कर आएँ कि आपको डायरेक्ट आते ही टिकट मान नहीं मिल जाएगा, टिकट तो मिल जाएगा लेकिन आपको वेटिंग रखना है सिलसिला, वहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को करें शेयर, मोहम्मद असलम को ज़्यादा से ज़्यादा।